इंग्रेडिएंट्स भी हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड फील हमारे माइंड में होती है कि अच्छे से लादर हो गया तो अच्छे से क्लीन होगा। करने के लिए जरूरी नहीं है कि पानी मिलाना ही पड़ेगा। हमारी स्किन फेस वॉश यूज करने के बाद ड्राई आउट हो रही है, दैट मींस दैट इज अ वेरी हार्श काइंड ऑफ। इसको यूज करने के दो तरीके हैं। Hi my cuties, I'm Akshita Jain and welcome back to my channel. And if you're new to my channel, so don't forget to hit the subscribe button below because I make videos related to beauty, travel, fashion, lifestyle and food. So title से तो आपको पता लग ही गया होगा that today's video is all about two very popular face washes in the market that are Cetaphil and Simple Face Wash. तो इन दोनों face washes के बारे में आपने काफी सारे अच्छे reviews तो सुने ही होंगे, but it's very difficult to choose one of them. मतलब इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू चूज ईदर सेटाफिल और सिंपल, या फिर इन दोनों में से कौन सा फेस वॉश आपके स्किन टाइप पे सूट करेगा, या फिर कौन सा फेस वॉश हमें कौन से सीजन में अप्लाई करना चाहिए, या फिर इन दोनों फेस वॉशेस में से एक्चुअल में बेटर फेस वॉश कौन सा है। एंड आई नो आप सभी के माइंड्स में इन दोनों फेस वॉशेस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं, सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी शेयरिंग आंसर्स टू ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस। एंड आई एम ऑल्सो गोना शेयर विद यू गाइस कि मैं इन दोनों फेस वॉशेस में से अपने लिए कौन सा फेस वॉश ज्यादा प्रेफर करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So firstly, I'm going to talk about the similarities between both of these products. Then we'll discuss the difference between both of these products. ताकि हम लोग decide कर पाएं कि हमारे लिए इनमें से better face wash कौन सा है. And then I'm going to show you guys the application of both of these products simultaneously. And in the end, I'm going to share with you guys कि मैं इन दोनों face washes में से अपने लिए कौन सा prefer करती हूँ. So सबसे पहले बात करते हैं similarities between both of these products. So इस side पे I'll talk about Cetaphil and इस side पे we'll be talking about Simple Face Wash. So इन दोनों ही products की ingredient list काफी ज़्यादा अच्छी है. I mean बहुत अच्छे ingredients use किए हुए हैं इन products में, एंड कोई भी केमिकल इंग्रेडिएंट आपको नहीं मिलेगा इन दोनों ही फेस वॉश में। ये दोनों ही फेस वॉश नॉन कमेडोजेनिक है, मतलब ये दोनों ही फेस वॉश आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेंगे। Then both of these products doesn't have any kind of fragrance in them, क्योंकि फ्रेग्रेंस हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइज कि इनके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। सो सेटाफिल में है ग्लिसरीन, विटामिन B3, प्रो विटामिन B5। सो ये मेन इंग्रेडिएंट है इस फेस वॉश का। एंड देन कमिंग टू द सिंपल फेस वॉश, इट हैज विटामिन B5 अगेन, जो कि दोनों में सेम है। देन इट हैज विटामिन E प्लस इट हैज अमीनो एसिड्स ऑल्सो, एंड देन ग्लिसरीन भी है इस फेस वॉश में, एंड सिट्रिक एसिड इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज फेस वॉशेस। देन ये दोनों ही फेस वॉश काफी ज्यादा जेंटल है, जिसकी वजह से जो नेचुरल ऑयल्स हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव नहीं होते आफ्टर यूजिंग बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो मतलब आपके जो नेचुरल ऑयल स्किन में प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल सिक्योर रहते हैं आफ्टर यूजिंग दीज फेस वॉशेस। नेक्स्ट, ये दोनों ही फेस वॉशेस हेल्दी स्किन बैरियर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। देन बोथ ऑफ दीज फेस वॉशेस आर रियली वेरी जेंटल फॉर योर स्किन, सो नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप वाले लोग इन दोनों फेस वॉशेस को आराम से यूज कर सकते हैं। एंड इवन इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन देन ऑल्सो यू कैन यूज बोथ ऑफ दीज फेस वॉशेस। सो नाउ यू नो द सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से ये दोनों ही प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं। बट द मेन पॉइंट इज हमें इन दोनों फेस वॉशेस के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ताकि हम ये चूज कर पाए कि हमारी स्किन टाइप पे हमारे लिए कौन सा फेस वॉश बेटर रहेगा। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट इज कि ये सिंपल का प्रोडक्ट एक फेस वॉश है एंड दिस इज अ क्लेंजर फ्रॉम सेटाफिल। आपको इसकी बॉटल पे भी मेंशन है दैट दिस इज अ जेंटल स्किन क्लेंजर नॉट अ फेस वॉश। जैसे फेस वॉश तो हम पानी के साथ यूज करते हैं और फेस वॉश को यूज करने का और कोई तरीका नहीं होता, हमें थोड़े से पानी से ही इसे रिमूव करना पड़ता है और ये थोड़ा सा फोम होता है आपकी स्किन पे। बट दिस जेंटल क्लेंजर इज नॉट अ फेस वॉश एंड इसे जरूरी नहीं है कि हम इसे पानी के साथ ही यूज करें। मतलब कि अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं यू कैन जस्ट रब इट इन योर पाम्स एंड देन ऑन योर स्किन, एंड उसके बाद यू कैन जस्ट टेक अ कॉटन पैड एंड पूरे फेस को वाइप ऑफ कर लो, एंड उसके बाद आपको जरूरत नहीं है कि आप वाटर से भी अपने फेस को क्लीन करो। बट सिंपल के लिए आपको एक प्रॉपर फेस वॉश की तरह ही इसे यूज करना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सा पानी मिला के इसको जेंटली लादर करना पड़ेगा एंड देन अपने फेस पे अप्लाई करके आपको वॉश ऑफ ही करना पड़ेगा, जो कि हमें सेटाफिल के साथ नहीं करना। एंड अगर आप इसको पानी के साथ भी यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब आपको इसकी जेनरस अमाउंट अच्छे से अपनी स्किन पे मसाज करनी होगी एंड देन जब आपको लगे 60 सेकंड्स के बाद आपने अच्छे से मसाज कर लिया और आपकी स्किन क्लियर है एंड यू कैन रिमूव दिस प्रोडक्ट यूजिंग वाटर। तो इसको यूज करने के दो तरीके हैं, बट दिस इज अ सिंपल फेस वॉश। Then second difference between both of these product is ये काफी ज़्यादा gentle है, तो आपको इसको 60 seconds तो minimum रखना ही होगा। वैसे भी हमें कोई भी face wash 60 seconds तक तो अपनी skin पे massage करना ही चाहिए to get a perfectly clear skin, but ये काफी ज़्यादा gentle face wash है, तो 60 seconds से भी थोड़ा सा ज़्यादा time हमें देना चाहिए अपनी skin को if you are using this product. Then coming to this product, ये product थोड़ा सा इस product से जल्दी काम करता है और लादर भी होता है, तो आपको अपनी skin पे पता लग जाता है that now my skin is clear. तो 60 seconds इसको enough है इस product को use करने के लिए, but इसको हमें 60 seconds से थोड़ा सा ज्यादा देना ही पड़ता है टाइम। देन कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, सेटाफिल के प्रोडक्ट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड फील होती है आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। मतलब अगर आपने वाटर का यूज नहीं किया और जेंटली वाइप ऑफ कर दिया तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड फील करेगी, आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील होगी, बिकॉज इस प्रोडक्ट में नाइसिनामाइड, ग्लिसरीन वगैरह काफी अच्छी क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज कर देता है आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। बट ऑन द अदर हैंड दिस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी जेंटल ऑन योर स्किन, पर इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो गई है, मतलब क्लीन तो हो जाएगी और बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होगा कि ड्राई
ड्राई आउट हो गई हमारी स्किन एक्स्ट्रा, पर इसको यूज करने के बाद आपको एक मॉइस्चराइजर तो अपनी स्किन पे लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज इसमें ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाए। मतलब ये आपके नेचुरल ऑयल्स को तो रिमूव नहीं करेगा, पर एक्स्ट्रा जो मॉइस्चराइजेशन है वो प्रोवाइड नहीं करेगा आपकी स्किन को। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, कि ये क्लीनिंग के साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है एंड दिस प्रोडक्ट क्लीन्स योर फेस रियली वेरी नाइसली ओनली। सो नाउ नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट इज, ये वाला प्रोडक्ट आप ऑयली स्किन के लिए भी यूज कर सकते हो, वेयर एज यू कांट यूज दिस पर्टिकुलर वेरिएंट फ्रॉम सेटाफिल फॉर ऑयली स्किन, बिकॉज ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ही है। प्लस अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है सो यू कैन गो इन विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको इसको यूज करने के बाद वो वाले रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कि आपको लगेगा नहीं कि काफी ज्यादा आपकी स्किन क्लियर आउट हो गई है। सो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट दैट ग्रेट फॉर ऑयली स्किन, and if you have oily skin I would always suggest to go with simple face wash instead of this variant. वो सेटाफिल में और भी variants है जो कि उन्होंने specially launch किए हैं oily skin के लिए, but if I talk about this particular product, because सबसे ज़्यादा viral यही वाला product हुआ है सेटाफिल का, then this is not that great for oily skin people. हाँ, अगर आपकी skin काफ़ी ज़्यादा sensitive है so you can try this product out for yourself if you want to, but I would totally recommend using this face wash instead of this if you are a oily skin type. And dry skin वालों को तो ये दोनों ही products काफ़ी अच्छे लगेंगे, and combination skin type के लिए भी ये दोनों products जाते हैं। Then the very important difference between both of these products is price point. सेटअप थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू सिंपल, मतलब सिंपल काफी अफोर्डेबल रेट्स में आपको मिल जाएगा। लाइक दिस इज 150 ml ऑफ प्रोडक्ट इन 385 रुपीज, वेयर एज 125 ml ऑफ सेटअप रिटेल्स फॉर 400 रुपीज। सो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है रुपीज 3.19 पर ml एंड इस प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है 2.57 पर ml। सो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है इन कंपैरिजन टू दिस। सो इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में ये सब डिफरेंसेस है एंड नाउ आई एम गोना शेयर विद यू द एप्लीकेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, एंड उससे भी आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। So yeah guys, this is how the consistency of these face washes look. Cetaphil is a creamy formula whereas Simple is a gel based formula. So Simple face wash ko use karne ke liye aapko thoda sa apna face damp karna padega ya fir thoda sa water aapko milana padega taki aap use easily massage kar pao. And Cetaphil face wash ko use karne ke liye zaruri nahi hai ki pani milana hi padega, aap usko simply massage karte jaoge to wo sari dirt remove karta jayega and if you wish to add some water you can add. So face wash ko acche se massage karne ke baad jo bhi excess residue aapke face pe hai you can just take it off by using a cotton pad like this and aapko Simple face wash to pani se ही धोना पड़ेगा। और अगर आप कॉटन पैड यूज नहीं करना चाहते तो यू कैन सिंपली वॉश योर फेस विद नॉर्मल वाटर एंड या दिस इज हाउ यू कैन यूज बोथ ऑफ दीज फेस वॉशेस टू गेट क्लियर स्किन। तो या गाइस, दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड आप लोगों को आइडिया तो लग ही गया होगा दैट दोनों प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी कैसी है और कैसा वर्क करते हैं दोनों प्रोडक्ट्स। सो नाउ आई एम गोना शेयर विद यू गाइस कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से मैं अपने लिए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर करती हूँ। सो सेटाफिल काफी ज्यादा जेंटल है, तो जब भी मुझे अपनी स्किन काफी ज्यादा ड्राई और सेंसिटिव फील होती है सो आई ऑलवेज यूज सेटाफिल फॉर माई सेल्फ। एंड मोस्टली जब समर्स में मेरी स्किन काफी ज्यादा ऑयली फील होती है, लाइक आई एम अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, तो मैं सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरी स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन है। सो कभी कभी मेरी स्किन काफी ज्यादा ड्राई फील होती है और कभी कभी ऑयली। सो समर्स में मोस्टली मैं सिंपल फेस वॉश ही यूज करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज ये वाला प्रोडक्ट काफी अच्छे से लादर होता है और लादर होने से मुझे क्लीनिंग वाली फील आती है। जबकि ये वाला फेस वॉश लादर नहीं होता ना, तो एक मेंटली जो हमारे माइंड में होती है कि अच्छे से लादर हो गया तो अच्छे से क्लीन होगा, तो वो वाली थिंकिंग थोड़ी सी रहती है माइंड में, जिसकी वजह से मुझे सिंपल फेस वॉश काफी ज्यादा अच्छा लगता है। प्लस ये थोड़ा कम टाइम लेता है इन कंपैरिजन टू दिस फेस वॉश फॉर क्लीनिंग। सो मैं मोस्टली सेटाफिल की जगह सिंपल फेस वॉश ही यूज करना प्रेफर करती हूँ, बट विंटर्स में जब मेरी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है तो मैं सेटाफिल फेस वॉश ही यूज करती हूँ, बिकॉज ये काफी अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को। सो दिस इज माय टेक ऑन बोथ ऑफ दीज फेस वॉशेस। आई पर्सनली लव टू यूज दिस फेस वॉश इन समर्स एंड दिस फेस वॉश इन विंटर्स। एंड या विद दैट, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आप लोगों को हेल्प किया होगा टू चूज अ बेटर फेस वॉश फॉर यू गाइज, एंड आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू गाइज बाइंग अ वेरी जेंटल काइंड ऑफ फेस वॉश फॉर योर स्किन। बस हमारी बचपन से यही सोच है कि अच्छे से हमारा फेस वॉश जो भी हम यूज करें उसे यूज करने के बाद अच्छे से स्किन ड्राई हो रही है तो मतलब वो फेस वॉश ने अच्छा काम किया है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर हमारी स्किन फेस वॉश यूज करने के बाद ड्राई आउट हो रही है दैट मीन्स दैट इज अ वेरी हार्श काइंड ऑफ अ फेस वॉश जो हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को भी रिमूव कर रहा है। सो ऑलवेज यूज अ जेंटल फेस वॉश, वो भी आपकी स्किन टाइप को सूट करे। एंड या अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगा, so don't forget to like, share, subscribe to my channel because I keep on making such kind of videos for you guys, and I'll see you guys in the next video. Bye bye, thanks for watching.